हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयकरण सिंह और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं द डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइंड स्टिरअप्स। और जो हमने शियर रीइंफोर्समेंट का लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज़ टाइप ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट। तो मैंने उसमें आपको बताया था वर्टिकल स्टिरअप्स। आगे मैं इस लेक्चर में आपको बताऊँगा अबाउट द इंक्लाइंड स्टिरअप्स, बेंट अप बार और जो भी मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का क्राइटेरिया हमारा लास्ट में बचा हुआ था। क्लियर? तो चलिए हम चलते हैं सीधे लेक्चर्स में और मैं आपको बताऊंगा इंक्लाइंड स्टिरअप के बारे में सबसे पहले इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए डायग्राम पहले से बनाया है कि आप जो इसलिए इस लेक्चर को देखने के पहले आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। वहाँ आप देखे थे कि मैंने आपके जो स्टिरअप थे वो बिल्कुल सीधा दिया था, वर्टिकल। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, ये हैं आपके स्टिरअप्स और ये स्टिरअप्स कहाँ दिए जा रहे हैं, एट सम इंक्लिनेशन सपोज अल्फा पे। कितने पे दे रहे हैं? अल्फा पे। तो सीधा लगाने की जगह मैं इसको इंक्लिनेशन क्रैकिंग आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है इस तरीके से। क्लियर? ये डिस्टेंस जैसे वही रहेगी क्या? डी माइनस डी डैश। क्लियर? अब देखिएगा, मैंने यहाँ टोटल एक्सटेंशन क्या लूंगा, डी प्लस एक्स। जो स्टिरअप देंगे टोटल हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, वहां एक्स लिया था, यहां मैं क्या लूंगा, डी प्लस एक्स। तो यहां से मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूं, इसी तरीके से आप भी बनाएंगे। तो इस ट्राइंगल में आप देखिए, ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज एक्स डी माइनस डी डैश। इसमें आप क्या लगाएंगे, टेन अल्फा, इट इज डी माइनस डी डैश बाय एक्स। तो आपका एक्स क्या आएगा, डी माइनस डी डैश बाय टेन अल्फा। क्लियर? वन बाय टेन क्या होता है, वन बाय टेन होता है कॉट। सो डी माइनस डी डैश कॉट अल्फा, ये आ जाएगा। D is greater greater than D dash, so again वैसी चीज, it is D cot alpha। क्लियर है? सो टोटल हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड अप आप क्या लेंगे यहाँ स्टिरअप्स का, टोटल हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड, टोटल हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड आपका क्या आएगा, X प्लस D। ठीक है, क्रैकिंग का वही रहेगा लेकिन अपन को देखना है इन स्टिरअप्स कहाँ तक एक्सटेंड होंगे। तो x प्लस डी, वहां मैंने x ही लिया था। क्लियर? सो इट इज, एक का स्पेसिंग तो आप एस वी रखेंगे। अब ये टोटल स्टिरअप्स को कितना कवर करना है, x प्लस डी, पहले x करना था, अब स्पेसिंग एस वी कुछ लेंगे तो कुछ नंबर ऑफ स्टिरअप्स लगेंगे जो कवर करेंगे इन स्पेसिंग के साथ x प्लस डी। पहले केवल क्या था, x। क्लियर? तो यहां से नंबर ऑफ स्टिरअप्स आपका आएगा x प्लस डी बाय एस बी। एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताया अभी अभी, x की जगह क्या रख देंगे, d cot अल्फा प्लस डी बाय एस बी। तो यहां से n आपका क्या आ जाएगा, d कॉमन ले लो, 1 प्लस, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, cot अल्फा बाय एस बी। क्लियर है? सो वही बीम में मान लो कि मुझे वर्टिकल की जगह कैसे लगाना है, इंक्लाइंड स्टिरअप्स। तो उस केस में नंबर ऑफ स्टिरअप्स इस तरीके के आएंगे। क्लियर? अब जैसे मैं ये एक स्टिरअप ले लूँ, तो ये आपको स्टिरअप दिख रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये कितने पे ले रहे हैं, अल्फा। अब जो स्ट्रेंथ वी यू एस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वी यू एस मतलब डिजाइन फोर्स फॉर शियर रीइंफोर्समेंट, ये स्टिरअप पे इस तरीके से जाएगा। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वी यू कॉस अल्फा, वी यू एस, एक आएगा वी यू एस साइन अल्फा। क्लियर? सो इतना पार्ट में अलग लिख देता हूँ। सो दिस शुड बी लेस देन, ये मैंने बताया था स्ट्रेंथ कितना लेना है, डिजाइन 0.87 fy, एरिया ऑफ वन स्टिरअप ASB। क्लियर? VUS, VUS अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी। इतने फोर्स के लिए आप ये रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करोगे, तो ये फोर्स इस स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। अब ये एक का है, ऐसे कितने लगाओगे, n नंबर ऑफ स्टिरअप्स।
सो एन क्या लिखोगे, डी इंटू वन प्लस कॉट अल्फा बाय एस पी, क्लियर है, यही लिखेंगे। अब देखिए वी यू एस का ये वाला नहीं लेना है, वी यू एस का आपको क्या लेना है, साइन अल्फा। तो यहां मैं इंटू क्या कर दूं, साइन अल्फा। इसको मैं थोड़ा दूर बना देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये हमने ये स्टिरअप माना था, ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो स्टिरअप में वी यू एस आएगा। अब ये इंक्लाइंट कितने पे है, अल्फा, तो इसका हमें क्या लेना है, वी यू एस साइन अल्फा। इसलिए मैंने इस वैल्यू में इंटू का आएगा कर दिया साइन अल्फा का, क्लियर। सो इसको मैं हटा देता हूँ इतना पार्ट। सो वी यू एस बराबर क्या आ जाएगा, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस बी, क्लियर, ये डी रहेगा। अब देखिए साइन अल्फा का इंटू अंदर करोगे तो आ जाएगा 1 इंटू साइन अल्फा साइन, टेन होता है साइन बाय अल्फा, कॉट क्या होता है 1/10, तो कॉट क्या लिखोगे, 10 इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, तो कॉट हो जाएगा कॉस बाय साइन, तो कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का इसमें इंटू होगा तो साइन से साइन कैंसिल आउट, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा साइन अल्फा प्लस अंदर बचेगा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय एस पी, क्लियर। बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं आई थिंक आपने ये लिख लिया होगा, इसलिए इसको हटाते हैं। तो यहाँ से आप एस पी लिखेंगे 0.87 एफ वाई ए एस वी इंटू डी बाय वी यू एस, बस साथ में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, क्लियर। वी यू एस की जगह टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी, डी से डी कैंसिल आउट, तो यही फॉर्मूला जो है आप कोड में पढ़ेंगे फॉर इंक्लाइंड स्टिरअप्स, 0.87 एफ बाय ए एस बी इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय टाउ बी माइनस टाउ सी इंटू बी, दैट इज। इसमें भी सेम रहेगा कि मैक्सिमम स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm, बट 0.75 डी नहीं आएगा, वो केवल वर्टिकल के लिए। यहाँ पे ये भी कंसीडर करना है, ये हमेशा याद रखना है, एफ वाई शुड नॉट बी ग्रेटर देन 415 ऑफ एम पी ए। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर एक स्टिरअप्स को क्रैकिंग क्रॉस करना चाहिए, इसलिए मैक्सिमम स्पेसिंग एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और क्रैक ब्रेथ बढ़े ना इसलिए हम हायर ग्रेड नहीं लेते हैं क्योंकि उनको हायर स्ट्रेन लगता है फॉर ईल्डिंग के लिए, क्लियर। सो दिस इज द इंक्लाइंड स्टिरअप, एंड नॉर्मली या आइडियली देखें तो अल्फा आप कितने पे दोगे, अबाउट 45 डिग्री, क्योंकि इसका काम क्या है, क्रैकिंग रोकना, क्रैकिंग के लिए उसको बिल्कुल इंटरसेप्ट करना चाहिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो क्रैकिंग नॉर्मली 45 पे होता है, तो आइडियली आपको या नॉर्मली अपन कितने पे रखना चाहेंगे, 45। देखो 45 से बढ़ाओगे तो ये वर्टिकल स्टिरअप की तरह बिहेव करेगा, या 45 से नीचे आओगे 30 और कम तो ये मेन बार के लिए काम करने लगेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, अक्रॉस बिल्कुल, तो इसलिए आइडियली अल्फा भी अपन कितना लेते हैं, 45 डिग्री, क्लियर। सो ये था आपका इंक्लाइंड स्टिरअप्स, क्लियर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वर्टिकल स्टिरअप्स, अभी मैंने आपको बताया इंक्लाइंड स्टिरअप्स, क्लियर है। अब आगे तो आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आप इसको अच्छे से समझ लें, लिख लें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्लियर। तो अब मैं बढ़ूंगा अपने अगले रीइंफोर्समेंट की तरफ, जो है हमारा बेंटाब बार्स। तो आई थिंक आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। सो अब हम देखेंगे अपना अगला टाइप ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, जिसको हम बोलते हैं बेंट अप बार्स। क्या बोलते हैं, बेंट अप बार्स। अब ये बेंट अप बार्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, जैसे जो हम बीम बना रहे थे सेम वैसा ही एक एग्जांपल बीम का लेंगे, क्लियर। अब ये बीम का सपोर्ट रहा, क्लियर। अब यहाँ आपने ऐसा टेंशन में मेन बार दिया, ऐसा कंप्रेशन, क्लियर। ये कंटिन्यू रहेगा, आगे बीम भी कंटिन्यू हो सकती है, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूस नहीं, सिंपली सपोर्टेड में कंटिन्यू रहेगा। तो अब इसमें आप क्या करते हैं,
अलग से स्टिरअप नहीं देते हैं, क्लियर। अलग से स्टिरअप ना देके किसी एक सेक्शन पे मेन बार्स को ही इस तरीके से बेंट कर देते हैं। इफ मेन बार्स आर बेंट अप एट अ सेक्शन, मेन बार्स यानी सिंगल बार भी हो सकता है किसी सेक्शन पे, या नंबर ऑफ बार्स, ग्रुप ऑफ बार्स भी हो सकता है किसी सेक्शन पे, तो मेन बार्स का ही कुछ पार्ट आप किसी सेक्शन पे या तो वन बार या ग्रुप नंबर ऑफ बार्स बेंट अप करते हैं, जिससे कि वो मेन बार कैसा बन जाए, शियर रीइंफोर्समेंट टू रजिस्ट द शियर। तो किसी एक सेक्शन पे जब मेन बार्स को ही बेंट करके शियर को रजिस्ट कराया जाता है, ऐसे रीइंफोर्समेंट को आप बोलते हैं, या शियर रीइंफोर्समेंट को आप बोलते हैं बेंट अप बार्स, क्लियर। अब जैसे आप देख रहे हैं बेंट अप इंक्लिनेशन, एज यूजुअल हम क्या ले लेंगे, अल्फा, क्लियर। सो पहले तो डेफिनेशन समझ में आई कि मेन बार्स को ही एक सेक्शन पे या तो एक बार या कुछ ग्रुप ऑफ बार मेन बार्स का एक ही सेक्शन पे जब आप ऐसे बेंट करके शियर रजिस्ट कराते हैं, तो ऐसे शियर रीइंफोर्समेंट को बोला जाता है बेंट अप बार्स, क्लियर। अब इफ ओनली वन बार इज बेंट अप एट अ सेक्शन, केवल एक बार अगर आप बेंट अप करोगे तो उसको कैसे लिखोगे, तो बड़ा आसान है, मैंने अभी अभी लिखाया। तो स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या आएगा, 0.87 fy इंटू asv इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय sv, सॉरी d इंटू साइन अल्फा, समझ गए ना, vus साइन अल्फा, क्लियर। अब अगर ग्रुप ऑफ बार्स या नंबर ऑफ बार्स आर बेंट अप, अब मान लीजिए आपने एक ही सेक्शन पे कुछ नंबर ऑफ बार बेंट अप किए, तो उसका स्ट्रेंथ आएगा शियर का 0.87 fy इंटू एएसबी डी इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय एस। तो इसमें समझना कुछ अलग नहीं है, जो हमने पढ़ा है वही करना है, बस तरीका अलग है, क्लियर। तो यहाँ जो ए एस बी आएगा वो स्टिरअप्स का नहीं आएगा, टू लेग डेट एम एम, वो आएगा जो आपका ये डाया होगा इन बेंट अप बार्स का, वो एरिया आएगा अब यहाँ पे। ये यहाँ खास बात याद रखनी है, यहाँ टू लेग डेट एम एम वाला कॉन्सेप्ट खत्म है, यहाँ जो मेन बार्स का जो डाया आएगा, जो बेंट अप होंगे इनका डाया और नंबर ऑफ बार्स के कितने नंबर ऑफ बार आपने बेंट किए, तो ऐसे फॉर्मूले से आप डिजाइन करेंगे शियर रीइंफोर्समेंट। तो ये था आपका तीसरे टाइप का शियर रीइंफोर्समेंट, जिसे हम बोलते हैं बेंट अप बार्स। मैंने आपको पूरा एक एक क्राइटेरिया समझाया कैसे। अब लेकिन आईएस कोड जो है वो बोलते हैं कि कभी भी आप इंडिविजुअली बेंट अप बार्स नहीं देते हैं, बिकॉज इनका सही बिहेवियर कैरेक्टराइजेशन एक्सप्लेन नहीं किया गया, केवल ये डायरेक्ट मान लिया गया कि ऐसा बेंट करोगे तो ये ऐसे ही बिहेव, जस्ट लाइक इंक्लाइंड बार बिहेव करेंगे, तो इनका सही एक्सप्लेनेशन बिहेवियर का नहीं होता है। इसलिए आपके आईएस कोड ने बोला है कि कभी भी आप बेंट अप बार्स एज अ शियर रीइंफोर्समेंट अकेले प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप बेंट अप बार्स के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बार्स, क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बार्स। कॉम्प्लीमेंट्री बार्स मतलब बेंट करोगे कुछ बार और कुछ या तो लगाओगे इंक्लाइंड स्टिरअप या फिर वर्टिकल स्टिरअप, तो कुछ बेंट अप किए जाएंगे बार और कुछ जगह पे इंक्लाइंड और वर्टिकल स्टिरअप अलग से डिजाइन किए जाएंगे, बट अकेले आप कभी भी बेंट अप बार्स नहीं देंगे। तो डिजाइन करते समय क्या मानेंगे कि आईएस कोड के अनुसार कि हाफ ऑफ जो भी टोटल शियर आएगा, हाफ विल बी रजिस्टर्ड बाय बेंट अप बार्स एंड रिमेनिंग हाफ विल बी रजिस्टर्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री बार्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री बार्स या तो इंक्लाइंड स्टिरअप या आप देंगे इनको वर्टिकल स्टिरअप के तौर पे, क्लियर। सो ये थे आपके टोटल टाइप या जितने टाइप के कॉमन होते हैं शियर रीइंफोर्समेंट, दैट इज वर्टिकल स्टिरअप जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इस लेक्चर में हमने पढ़ा इंक्लाइंड स्टिरअप एंड बेंट अप बार्स, क्लियर। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इस फॉर्मूले को पूछ सकता है, क्लियर, वर्टिकल स्टिरअप के फॉर्मूले को पूछ सकता है या इंक्लाइंड के लिए ही ये जो आपने पढ़ा था इनको पूछ सकता है, बस क्राइटेरिया याद रखना है।
बेंट अप में एएसवी की जगह ये आएंगे इनके बेंट अप के, और इंक्लाइंड में जो आप टू लेग्ड या फोर लेग्ड जितने भी डाया का स्टिरअप देंगे वहां पे। क्लियर। बाकी रिकमेंडेशन याद रखने हैं, 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, FY should not be greater than 415 of MPa। क्लियर। ये सारे क्राइटेरिया वही रहेंगे जो हमने इसके पहले पढ़े थे। सो ये था आपका टोटल टाइप्स ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट। क्लियर। सो लगभग हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि पहले हमने पढ़ा के कितने टाइप का शियर होता है, उन शियर से कितने टाइप का फेलुअर होता है, उन फेलुअर को रोकने के लिए टाउ वी टाउ सी मैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कब हमें मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट देना है, कब टाउ वी माइनस टाउ सी स्ट्रेंथ का देना है, टाउ सी मैक्स पढ़ा हमने। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे तो एक कंडीशन हमने पढ़ी थी जो आपका बचा हुआ है, दैट इज मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। तो उस पर आते हैं कि वो हमें कब देना चाहिए। तो ये सब तो आपने लिख लिया होगा। तो एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इफ इफ टाउ वी लेस देन टाउ सी, तो टाउ वी यदि टाउ सी से कम है तो थियोरेटिकली वी आर सेफ इन शियर, और आपको ऐसे में कोई भी शियर रीइंफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर। लेकिन जैसा कि आईएस कोड ने बोला, इस केस में या ऑलवेज वी हैव टू प्रोवाइड मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। हम हमेशा क्या देंगे, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। क्लियर। तो पहले तो हम ये पढ़, ये कितना देंगे ये बात की बात है, पहले तो हम पढ़ेंगे कि इस मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट की जरूरत क्यों पड़ी। क्लियर। तो जरूरत इसलिए, जैसे कि जब आपको डिजाइन करना पड़ता है डबली रीइंफोर्स सेक्शन, तो आपको टेंशन के साथ कंप्रेशन में भी रीइंफोर्समेंट देना है, तो पहले तो मेन बार को होल्ड अप, जैसे आप कंक्रीटिंग करेंगे तो मेन बार क्या होंगे, डिस्प्लेस होने की कोशिश करेंगे, तो वो डिस्प्लेस ना हो, अपनी जगह पे बने रहें। तो इसके लिए टू होल्ड द मेन रीइंफोर्समेंट, इसके लिए भी आप क्या देते हैं, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। क्लियर। तो एक तो आपका क्या हो सकता है इसका रिक्वायरमेंट, टू होल्ड द मेन बार्स कंक्रीटिंग के दौरान, जैसे कि दूसरा हमने पढ़ा है कि जैसे आप क्या देते हैं कंक्रीट का कवर, हमेशा ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होता है, ये हम पढ़े थे इफेक्टिव और क्लियर कवर। तो मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव और क्लियर कवर क्यों दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कि जैसे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ना जाए, रस्टिंग ना हो रीइंफोर्समेंट की। क्लियर। दूसरा फायर रेजिस्टेंस। तीसरा मैंने बोला था आपको कि मिन जो अपन ने पढ़ा था कि बॉन्ड स्टील और कंक्रीट के बीच क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। तो किसी कारण अगर मान लो कंक्रीट का कवर बस्ट हो गया, टूट गया सडनली, अब होगा क्या कि कवर के कारण कंक्रीट का चारों साइड स्टील के होगा नहीं, तो बॉन्ड नहीं होगा, तो स्नैपिंग होने के चांस हो। तो ऐसे एक अब एकदम से स्नैपिंग होगा, सडन फेलुअर, तो ऐसा सडन फेलुअर ना हो और आपका स्ट्रेंथ बना रहे, तो इसके लिए भी आप क्या लगाओगे, मेन बार कि मान लो कवर हट गया तो स्टील तो फेल हो जाना चाहिए बेंड, तो ये बार क्या करे रहेंगे, उनको थोड़े देर तक होल्ड अप किए रहेंगे जिससे कि एकदम से सडन फेलुअर ना हो। क्लियर। तो एक तो टू प्रिवेंट सडन फेलुअर ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट कवर। क्लियर। तो कॉन्क्रीट कवर जाएगा, बॉन्ड लॉस्ट हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो फेलुअर, तो एकदम से सडन फेलुअर ना हो, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, मिनिमम रीइंफोर्समेंट देते हैं। क्लियर। इसके अलावा टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और स्टील दे रहे हो ऑब्वियस है, तो सेक्शन की ब्रिटलनेस घटाने के लिए और ओवरऑल डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, इन सब कारणों के लिए कोड हमेशा बोलता है कि क्या देना चाहिए, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। सो ये थी रिक्वायरमेंट्स, और मैंने दो लिखी हैं, बाकी मैंने बोला है कि जैसे टू होल्ड द मेन बार्स, टू प्रिवेंट द सडन फेलियर ड्यू टू बस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट कवर, टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्लियर। और डक्टिलिटी ऑफ सेक्शन बढ़ाने के लिए भी ओवरऑल मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट हमेशा देना है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रख कर लिख लें,
क्लियर सारे पॉइंट्स को। तो ये थी रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट जो मैंने आपको बताया, क्लियर। अब मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट देते कितना है, तो ये बड़ा आसान है। आपने जैसा पढ़ा है कि VUS बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये आप पढ़ के आए। और हाँ, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट हमेशा किस फॉर्म में देंगे, वर्टिकल स्टिरअप्स। कैसा देंगे, हमेशा वर्टिकल स्टिरअप्स, क्लियर। तो ये तो अपन ने वैसे ही पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ाया था ये मैंने आपको टाइप्स में। VUS की जगह देखो आप क्या लिख सकते हो, टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी इक्वल्स टू एस, क्लियर। अब डी से आप यहां क्या कर दो, डी कैंसिल आउट। जो मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट है उसके लिए जो ये डिफरेंस है स्ट्रेंथ के बीच का, ये लिया जाता है 0.4। मतलब टाउ वी माइनस टाउ सी बराबर 0.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्ट्रेंथ होता है, जो स्ट्रेंथ होता है शेयर रीइंफोर्समेंट का, वो मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए क्या होता है, 0.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो जितने भी अपन ने रिक्वायरमेंट पढ़े थे, उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, तो हमेशा बीम में मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट कितने स्ट्रेंथ का लगेगा, 0.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इट इज आईएस कोड रिकमेंडेशन एंड ऑलवेज प्रोवाइड एज अ वर्टिकल स्टिरअप्स। ये खास बात याद रखनी है कि आईएस कोड ने बोला कि मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेंथ। तो वो स्ट्रेंथ कितना लेंगे, 0.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसीलिए आप यहां से पढ़ते हैं कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा अरेंज करें, सो ए एस बी, बी यहां आ जाएगा, सो ए एस बी बी अपॉन एस बी इट शुड बी ग्रेटर देन 0.4 डिवाइडेड बाय 0.87 ऑफ एफ वाई। इट इज द मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएस कोड रिकमेंडेशन। तो इसमें हर चीज समझ में आती है, 0.4। तो 0.4 क्या है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट विच फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट, जिसके लिए हमने लगाया था मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट, क्लियर है। तो इस चीज को आपको विशेष मतलब स्पेशली याद रखना है कि ये फॉर्मूले का महत्व इम्पोर्टेंस क्या है, कि एक्चुअली हम शेयर रीइंफोर्समेंट लगा क्यों रहे हैं और शेयर रीइंफोर्समेंट लगा कितनी स्ट्रेंथ के लिए रहे हैं, क्लियर। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट, साथ ही साथ आपका के कितना हमें देना पड़ता है मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट, क्लियर। तो ये लगभग आपका सारा हो गया है शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए। तो ये था आपका मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट, लेकिन डिज़ाइन तो आपको वैसे ही करना है, कैसे कि आपको स्पेसिंग बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, आप लिखेंगे 2 legged या 4 legged सम 8 और 6 mm स्टिरअप्स, क्लियर। तो इस अनुसार जो स्पेसिंग आपका है, क्या है आपका स्पेसिंग, दैट स्पेसिंग ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ से स्पेसिंग का फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, स्पेसिंग आ जाएगी, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, तो आपका हो जाएगा दैट इज 0.87 एफ वाई इंटू ए एस बी डिवाइडेड बाय 0.4 ऑफ बी, दिस इज क्लियर। तो कभी भी सॉरी फॉर मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट आप एक मिनिमम स्पेसिंग देख सकते हो कि स्पेसिंग हमेशा किससे कम होनी चाहिए, ऑल केसेस इससे कम होनी चाहिए, क्लियर। तो वही इंश्योर है कि जितना पास होगा उतना वो एक्चुअली उसको होल्ड अप करेगा, रिजिड बनाएगा या क्रैकिंग को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, क्लियर। तो मिनिमम शेयर रीइंफोर्स के करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द शेयर रीइंफोर्समेंट, क्लियर है। सो दिस इज द ऑल ओवर या ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट, क्लियर। तो इस वीडियो के साथ साथ आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखें जो सारा शेयर रीइंफोर्समेंट का है, तो शुरू से देखेंगे तो एंड तक का आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आई थिंक, क्लियर। और फर्दर वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, और पुराने वीडियोस के लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, थैंक यू।